हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट रीडर पे। आज का जो इंडिकेटर है ये कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का डेवलप एक कोडिंग है जिसको आप बोल सकते हो कि ये अभी भी डेवलपिंग मूड पे ही है। तो थोड़ा बहुत तो बैक टेस्टिंग मैंने भी कर लिया, उसके बाद इसको मैंने डेवलप किया हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, इजी है, मगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक सा चीज़ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो कोड अप्लाई कर रहे हो ये कोड कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्लेटफॉर्म में मत भूलिए कि किसी भी स्टॉक में और किसी भी इंडेक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हो। ये 30 मिनट चार्ट में भी यूज हो सकता है एंड 5 मिनट के चार्ट में भी यूज हो सकता है, 15 मिनट चार्ट में भी यूज हो सकता है। इट्स डिपेंड कि आप कैसे इसको एंड किस टाइप का परसेंटेज का प्रॉफिट लोगे। इस इंडिकेटर में आपको 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड दिखेगा। एक तो ये वाला क्लाउड जो ब्लू वाला है, उसके बीच में एक वायलेट वाला क्लाउड है एंड उसके नीचे जो क्लाउड है एक ग्रीन वाला क्लाउड है। तो कभी भी एक जो तीनों क्लाउड है वो तीनों क्लाउड कभी भी क्रॉसओवर नहीं होगा। ये पहले इसको क्लाउड को थोड़ा समझने का जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लाउड कभी भी किसी के ऊपर नीचे क्रॉसओवर नहीं होगा, क्रॉसओवर नहीं होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ये जो क्लाउड है, मिडिल वाला जो क्लाउड है, जो मिडिल क्लाउड होता है, एक तो मान के चलिए ये टॉप क्लाउड है, ये मिडिल क्लाउड है, ये बॉटम क्लाउड है। जो मिडिल क्लाउड है इसका जो किनारा है, इसके लिए मैंने दो लाइन पिक किया हूँ, एक अपर वाला लाइन एंड ये लोअर वाला लाइन। मान के चलिए कि ये जो बीच का जो मिडिल वाला जो क्लाउड है, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, इसके ऊपर बेस करके आपको ट्रेड मिलेगा। एंड ऊपर वाला एंड नीचे वाला क्लाउड आपको हेल्प करेगा कि ट्रेंड जो ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड का आप एग्जिट कैसे की कर सकते हो और ट्रेंड कैसा चल रहा है उसको समझने के लिए मैंने दो क्लाउड एक्स्ट्रा इसमें इनपुट किया हो। तो आज के दिन में मैंने थोड़ा बहुत आप इधर आकर देखोगे थोड़ा मार्क किया हो। इसको मैं पहले भी थोड़ा बहुत चेक कर रहा था, बैक टेस्टिंग किया था, इसलिए ये मार्किंग है, ये क्रॉसओवर मार्किंग है, ऐसे कुछ नहीं। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल गोल्ड गोल्ड चार्ट है जिसको आप बोल सकते हो काफ़ी फॉरेक्स ट्रेडर इस गोल्ड चार्ट को देखते हैं ट्रेड करने के लिए, जिसको और कोई चार्ट में और कोई ट्रेडिंग भी का और कोई स्टॉक में लगाना है वो लगा सकते हो। इसका जो जो कोड है वो नीचे जी ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आप कोड डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट करना आप नहीं जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत पूछ सकते हो, मैं उसका भी ट्यूटोरियल और वीडियो में बना दूंगा। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका बेसिक रूल्स क्या है, उसको पहले हम लोग देखेंगे। ये जो बीच वाला जो जो क्रॉस ओवर है ना, इस क्रॉस ओवर को थोड़ा बहुत मैं ज्यादा ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ। एक्चुअली ओपेसिटी थोड़ा लो है, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, समझने में थोड़ा आसानी होगी। ये जो आप देख पा रहे हो जो क्रॉस ओवर है, इस क्रॉस ओवर ही इसका मेन फंडा है। इसको क्रॉस ओवर किया तो अगर पिंक वाला जो ऑरेंज वाला है अगर ऊपर चला गया, क्रॉस ओवर हुआ है, तो इसको सेल साइड में हम लोग ले सकते हैं, मगर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग के लिए।
मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसका भी इलाबरेट करूंगा कि क्यों आपको देखना है। अगर इधर में आप अपॉर्चुनिटी ले लेते हो बाई चांस, एक क्रॉस ओवर आप ले लिया, क्रॉस ओवर हो गया एंड आप नेक्स्ट कैंडल में या पर ही क्लोजिंग में ही आप चांसेस ले लिए शॉर्ट शॉर्ट सेल का, तो आपका जो शॉर्ट सेल का जो रिस्क रेशियो रहेगा तो इस कैंडल की ऊपर में, ओके। एंड टारगेट आप नीचे कहीं भी रख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक आप टारगेट रेशियो आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा एक टारगेट रेशियो आ गया है। तो इसको अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखिए तो मेरे ख्याल से गोल्ड में एक करीबन आपका 16 पॉइंट्स, दैट मींस 160 पिप्स के आसपास इसका प्रॉफिट आ रहा है मैक्सिमम। ये भी होल्ड करोगे तो और भी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मगर आफ्टर मार्केट ये बोलना सही नहीं होगा कि आपको इतना पॉइंट मिलेगा, ये कभी नहीं सही बोलना सही नहीं होगा। एंड मैं ये बिलीव भी नहीं करता हूँ, क्योंकि बिफोर मार्केट एनालिसिस एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस में बहुत फर्क होता है। एंड लाइव ट्रेडिंग में साइकोलॉजी जब घुसता है ना लाइव ट्रेड में, तब वो और एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ट्रेडर के माइंड में, तो ये बोलना सही नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ ट्रेड क्लोज करोगे, ट्रेड कहाँ क्लोज करोगे। ट्रेड क्लोज करोगे जब ये जो व्हाइट वाला लाइन आप देख पा रहे हो ओवरलैपिंग हो गया है यह से लोअर क्लाउड से, बॉटम क्लाउड है वो यह से बॉटम लाइन टच कर दिया लोअर और बॉटम क्लाउड में, ये ओवरलैपिंग स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स ये बियरिश जोन पे चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, ये यहाँ पर बियरिश जोन छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाउड से ये व्हाइट वाला लाइन ऑलरेडी हुक कर दिया, तो यहाँ तक का जर्नी आप ले सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड क्लोज करते तो मेरे ख्याल से ये आपका 90 पिप्स और 9 पॉइंट्स के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता। तो मेरे ख्याल से 9 पॉइंट्स और 90 पिप्स एनाफ गोल्ड के लिए। अब नीचे सिनारियो और भी आता है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद ये वाला कैंडल में आप अगर एंट्री लेते हो एंड छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हो, स्टॉप लॉस अगर मान के चलिए कि आप स्टॉप लॉस लिए यहाँ पर, मेरे मेरा जो लास्ट जो कैंडल का जो स्पाइक रहेगा ना उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करिए तो सबसे बेहतरीन होता है। एक छोटा स्टॉप लॉस आपको बड़ा रेशियो दे सकता है। इसका एंट्री पॉइंट है 2720 एंड आप देख सकते हो ये जो व्हाइट वाला, आप व्हाइट क्रॉसिंग हो गया है तो व्हाइट वाला लाइन आप देखो कि ये ऊपर वाला ब्लू लाइन से ओवरलैपिंग हो गया है एंड इट्स कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, ये कहाँ छोड़ा यहाँ पर। तो ये 20 से, अगर 20 से आप ट्रेड देखोगे तो ये छोड़ने का प्लेस है 13, 130 पॉइंट्स का आपको मूव मिल रहा है, बहुत सही मूव दिया है। आप यहाँ पर देखोगे तो वेरी क्लोजली अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग का इश्यूज था, मगर अगर कैंडल क्लोज के बाद देखोगे तो ओवरलैपिंग कॉम्प्लीटली नहीं हुआ है। मान के चलिए गलती से भी आप इसको ओवरलैपिंग सोच के एडवांस एंड ओवर स्मार्ट होके इसको सेल कर दिया यहाँ पर, मेरे मान के चलिए इसका भी मैं मार्क कर चुका हूँ 2730 पे आप सेल किए हो एंड आपको स्टॉप लॉस रखना है कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो इसका पॉइंट कितना आता है, 2720 से आपको ओनली 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स और 40 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा मूव आपको लेना चाहिए। आप मान के चलिए कि ये आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर तो नहीं देखा, दैट मीन्स ये इनवैलिड है, तो इसमें कहीं भी प्लेस पे कोई भी प्लेस के आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मिला, यहाँ पर
जहाँ पर आप वो जो ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ पर है। मैं कोई भी क्रॉसओवर में ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ, उसके बाद के कैंडल में दिखा रहा हूँ। तो बाद के कैंडल में ओपन में आप ले सकते हो और इसका क्लोजिंग में भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि ये वाला क्रॉसओवर है भाई, इसके नीचे भी अगर आप ट्रेड लोगे ना लॉन्ग कैंडल पे, तब भी आपको बेनिफिट मिलता। तो मैं सेफ साइड रखने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल को प्रेफर करता हूँ कि क्रॉसओवर होने के बाद ही उसके नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लीजिए तो बेहतर होगा, कॉन्फर्मेशन फॉर गुड कॉन्फर्मेशन ऑल्सो। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्रॉसओवर हुआ है एंड इस पॉइंट्स 2731 के आसपास मैंने शॉर्ट डाला हो, एंड इसका प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस कहाँ डाला, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये कहाँ है 2736 के आसपास। दैट मीन्स 5 पॉइंट्स और 50 बिप्स का एक स्टॉप लॉस था, वो भी शायद आप मान के चलो वो भी हिट हो गया है। तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा स्टॉप लॉस आप रख सकते हो बड़ा प्रॉफिट के लिए। ये कोई बात नहीं है कि 100 ट्रेड्स आप लोगे उसमें 90 प्रॉफिट्स होगा एंड 10 लॉस होगा, उसका रिस्क उसमें आप बोल सकते हो कि वो सही नहीं है। उसका अगर कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिस्क रेशियो आप देखोगे तो सही नहीं है। अगर आपको 100 व्यू जनरेट है, 100 ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपको 80 ट्रेड लॉस में जा रहा है, मगर उसके बाद जो 20 ट्रेड आपका आया ना वो 80 से ऊपर का ट्रेड का आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो रिस्क रेशियो बहुत अच्छा खासा एक मनी मैनेजमेंट होगा उसमें। उसके बाद देखिए इसमें एक पॉजिटिव बाइंग आया, तो बाइंग यहाँ पे लोगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगे 2738, एंड उसका भी स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग आया, तो क्लोजिंग आया इसका भी 4 पॉइंट का क्लोजिंग आ चुका है। तो ये जो ग्लीज है ना, ये जो ग्लीज है, ये बड़ा वाला जो पॉइंट का जो ग्लीज है ना, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, इसको भी अवॉइड कर सकते हो लॉन्ग। अगर आप ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ, मान के चलिए ये साइडवेज मार्केट चल रहा है या फिर ग्लीज आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 15 मिनट चार्ट है, इसको अगर 30 मिनट चार्ट में आप कन्वर्ट कर दोगे, कहाँ मार्क किया यहाँ पर, देखिए 30 मिनट चार्ट में स्टील बुलिश है। देखिए 30 मिनट चार्ट में नीचे से पूरा सही बुलिश है, ये साइडवेज मार्केट में 30 मिनट चार्ट में बुलिश है क्योंकि क्रॉसओवर नहीं दिखाया, एंड 1 आवर चार्ट में तो फुल बुलिश है। तो आपको ये थोड़ा क्रॉस चेक करना है लॉन्ग टाइम फ्रेम से अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। ये जो ग्लीज देख पा रहे हो ना, इसमें अगर मान के चलिए मेरा कितने सारे क्रॉसओवर में लॉस हुआ वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। एक तो यह लॉस हुआ है, एक दो तीन, तीन में तीन ट्रेड में लॉस हुआ है। मान के चलिए जो तीन ट्रेड है वो 3 × 5 पॉइंट्स इजिकल टू 15 पॉइंट्स का मुझे लॉस हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ 15 पॉइंट का लॉस हुआ है। ओके चलो, मैं यह से जो एंट्री मारा था, यह से जो एंट्री मारा यह तक मुझे कितना प्रॉफिट है 10 पॉइंट्स का, यह से जो एंट्री मारा इसका मैं कितना पॉइंट्स का, इसमें चले 12 पॉइंट का, तो प्रॉफिट यह पर अभी नीचे कितना आया है, अभी 10 पॉइंट्स, 10 प्लस 12 अभी तक के लिए, तो प्रॉफिट ओके ओके। अब नेक्स्ट में जाते देखते हैं और क्या मुझे दिखाता है। ये पॉइंट क्रॉसओवर हुआ है, इस पॉइंट में मैं एंट्री मारूंगा, इस पॉइंट में मैं एंट्री मारूंगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ 2737, 2737 का स्टॉप लॉस रहेगा 2733 ओके। 2737 यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इसका क्रॉस ओवर आया, एंड इसके बाद क्रॉस ओवर मतलब ऊपर वाला जो अपर जो बैंड है क्लाउड है उसमें टच किया एंड नीचे से रिजेक्ट किया। तो ए पॉइंट से यहाँ तक का सफर कहा कितने था, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो
फोर पॉइंट्स के लिए। तो मैं फोर पॉइंट्स को इधर मैं फोर पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, प्लस फोर, सॉरी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट्स। ओके नेक्स्ट हम लोगों को कहा मिला अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 2646 में। 2646 में जब भी हम एंट्री मारे एंड इसका क्लाउड देखिए नीचे नीचे यहाँ पर ये इस प्लेस पे गिए, इस प्लेस पे इसका एग्जिट रूट आया, दैट मीन्स 6 पॉइंट्स का। इसमें भी 6 पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। तो इसमें 6 पॉइंट्स और भी ऐड करते हैं तो 32। उसके बाद फिर से क्रॉसओवर आया, मेरा एंट्री है 2746 में। अगेन 2746 में अगेन एंट्री मारने के बाद मेरा इस पॉइंट में मेरा एग्जिट रूट बनता। आप अगर यहाँ पर एग्जिट करते हो, एक सेकंड, तो इसका भी 5 पॉइंट्स आ गया। तो इसमें भी मैं 5 पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। मैं छोटा प्रॉफिट देख रहा हूँ, मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ। तो 37 पॉइंट्स। देन मुझे यहाँ पर एग्जिट मारा, यहाँ पर शॉट मारा, तो 2751, 2751 से मुझे कहाँ मिला। इसके लिए मुझे थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा एक स्लिपिंग हुआ है। ये देखिए, आप देखिए ये पहले देखिए एक ही क्लाउड कहाँ छोड़ रहा है, क्लाउड नहीं छोड़ा अभी तक, क्लाउड नहीं छोड़ा, क्लाउड छोड़ा यहाँ पर इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट से मैं ये पॉइंट तक मैं देख रहा हूँ कितना 32 पॉइंट्स अप्रोक्स। चलिए इसको भी 32 पॉइंट जोड़ देता है, 69। एंड इसको यहां से एंट्री मारा, फिर से क्रॉसओवर आया, यहां से एंट्री मारा एंड देखो कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। छोटा पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे बड़ा वाला कोई फ्लो चाहिए। मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स का आया है, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, दैट मीन्स 72, 72 पॉइंट, दैट मीन्स 720 पीप्स का मुझे प्रॉफिट मिला। 720 पीप्स मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होता है एंड बढ़िया प्रॉफिट होता है। आप अगर कोई भी एंगल से बैंक निफ्टी को देखो, निफ्टी को देखो, कहीं भी आपको इस टाइप का ट्रेड आपको मिल जाएगा एंड बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा कहीं पे भी। ये अगर छोटा टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, छोटा टाइम में आपको मिल जाएगा, मगर छोटा टाइम में बहुत ज्यादा ग्लीच आ जाएगा। इसमें साइडवेज मार्केट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से इसको और भी ज्यादा ज्यादा के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में। अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक दो स्टॉप लॉस खाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक एक ट्रेड, ये जो लॉन्ग कैंडल वाला आप ट्रेड देख रहे हो ना, ये ट्रेड अगर आप शॉर्ट भी मार लेते हो, यहाँ पर आप मान के चलो कि आप शॉर्ट मार लेते हो, ये यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर शॉर्ट मारा एंड इसको जो जो बॉटम वाला क्लाउड से जो एंट्री मारा है ना, इसका जो ये आया है, ये कितने पॉइंट में आया है, ये यहाँ पर क्रॉसओवर आता है, दैट मीन 200 पॉइंट का आपको नियर अबाउट बैंक निफ्टी में आपको बेनिफिट मिल रहा है। 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बेनिफिट जो एक ही दिन में आ रहा है। 10 बज के आपका ट्रेड आ रहा था एंड 2 बजे के आसपास आपका ट्रेड क्लोजिंग हुआ है एंड इसको अगर स्टॉप लॉस रिवाइज करके कैरी फॉरवर्ड करते हो तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ये छोटा सा ग्लीच है। छोटा सा ग्लीच के बाद आपका आज 9:15 का ट्रेड ओपन हाई हुआ है। आज हाई पे भी अगर आप अगर नेक्स्ट कैंडल पे भी, के ही पे भी, ये वाला क्लोजिंग के बाद ये कैंडल पे भी आज आज अगर ट्रेड ले दो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आगे देखो क्लाउड से एंट्री तो मारती है, क्लाउड एग्जिट हुआ इधर पे। अगर इधर पे भी अगर क्लाउड एग्जिट हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर एग्जिट करते हो तो 380 से 6
51381 से 51614, ये एक ही ट्रेड मेरे ख्याल से आपके लिए काफी होगा फॉर इंट्राडे और जो भी है। अब कोई भी स्टॉक आप देख लो, बिटकॉइन में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बिटकॉइन में भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा खासा आपको एक ट्रेड से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इस टाइप का कोडिंग से आपको लगता है कि इसके बारे में और भी डिटेल जानना है और भी ट्रेड देखना है एंड लाइव टेस्टिंग में आपको कोई दिक्कत वाली बात ही मन आ रहा है, कुछ तो समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है, तो आप ज़रूर मुझे पिंग करिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा अगर मैं जानता हूँ और मेरी नॉलेज पे है। मैं इसके बारे में और भी डिटेल वीडियो बनाने वाला था मगर एक कोड अभी तक के लिए डेवलपिंग मोड में है, और भी क्लाउड के ऊपर मैं डेवलपिंग करूंगा कुछ ही दिनों में। तो एक बेसिक चीज़ है जो मुझे अभी लगा कि ये रिलीज करना ठीक है, अभी इसको रेक्टिफाई मैंने कर दिया। एक सिंपल सा एक कोडिंग है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग नहीं है, जिसको कोडिंग आता है वो जाके ओपन सोर्स आप देख सकते हो, कोडिंग में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर लो। ये EMA स्ट्रेटजी है, EMA क्लाउड है, इसके बारे में आप कोड में डिटेल्स देख लेना, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेरीज में डाल सकते हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, एंड अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन दोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो इस टाइप का कस्टमाइज इंडिकेटर मैं प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए पेडअप का कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।